मुरादाबाद जनपद में उस समय हड़कंप मच गया जब बाइक सवार दो हथियारों से लैस बदमाशों ने एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी को गोली मार दी और उसका थैला लेकर मौके से फरार हो गए। बदमाशों की लूट की वारदात के बाद से क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। सर क्या नाम है आप? मेरा संजय कुमार। संजय ये क्या हुआ था, कहाँ की घटना और कहाँ से आ रहे थे? ये संभल से आ रहा था कनेक्शन करके, मैंने ठहर के पास दो जनों ने मिल के मतलब किसी ने जो आगे था हेलमेट लगा था उसने उसके तमंचा से हटा कर गोली मारा। अच्छा, कोई कलेक्शन भी इन जो लेकर आ रहे थे क्या वो भी लूटा है? हाँ, बैग लूट के। कितने पैसे थे? 82,500। कौन सी बैंक में काम करते हैं? कोटक महिंद्रा बैंक। कितने बजे की घटना है ये? अप्रोक्स 4:20 के आसपास। कितने लोग बताए हैं? दो लोग, स्प्लेंडर की स्प्लेंडर बाइक थी ब्लू कलर की, उस पर दो लोग थे, एक ने हेलमेट लगा रखा था, एक ने रुमाल बांध रखा था मुंह पर, आगे वाले ने इसके तमंचा से बिल्कुल लगाकर गोली मारी। इसमें पीड़ित कलेक्शन एजेंट का काम करते हैं कोटक महिंद्रा में। संभल से चंदौसी चौराहे से ये चले थे 3:40 पे और लगभग 4:20 के पास मैना ठेर के पास रोड पर पीछे से मोटरसाइकिल पर सवार होकर दो अज्ञात अभियुक्त आए, इनके पैर में गोली मार के इनसे थैला छीन लिया है। 82,500 बता रहे हैं। अभियुक्तों की धरपकड़ के लिए जगह जगह चेकिंग की कार्रवाई की जा रही है, आगे की पुलिस की कार्रवाई जारी है। सर, जो उनके सहयोगी हैं उनका कहना है कि इलाज के बजाय उन्हें थाने में बैठा के रखा, काफी गुस्ताखी से इस तरह का आरोप। 4:20 के ये घटना हुई, स्वाभाविक क्रम में थाने पर बैठाए जाने के कोई औचित्य बनता नहीं है, फिर भी हम इसकी छानबीन कराएंगे। अगर ऐसा है तो तुरंत ही ले आने का, मजरूम के इलाज कराने की शीर्ष प्राथमिकता हमारी रहती है और रहेगी।